डॉन का इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, वहीं दर्शक भी टकटकी लगाए बैठे डॉन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें, फरहान अख्तर की फिल्म डॉन 3 को लेकर लोगों की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच गई है। बीते दिन उन्होंने खुद ही फिल्म की अगली फ्रेंचाइजी की घोषणा कर दी थी। इसके बाद खबरें आई कि फिल्म में इस बार शाहरुख खान डॉन के किरदार में नजर आएंगे, जो अब सच साबित हो गया है क्योंकि फरहान अख्तर ने डॉन 3 के लीड एक्टर का नाम रिवील कर दिया है। इस सुपरहिट फ्रेंचाइजी के पार्ट 3 की राह पूरा देश देख रहा है, जिसको लेकर लंबे वक्त से चर्चा हो रही थी। लेकिन अब प्रोड्यूसर डायरेक्टर फरहान अख्तर ने फिल्म और इसके लीड एक्टर के नाम को खुद कंफर्म कर दिया है। उन्होंने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर डॉन 3 का तड़कता भड़कता टीजर रिलीज किया है, जिसके साथ ही उन्होंने फिल्म के लीड एक्टर का चेहरा भी रिवील कर दिया है। फरहान अख्तर के डॉन 3 की घोषणा के बाद से सोशल मीडिया पर नो शाहरुख नो डॉन ट्रोल हो रहा है। डॉन 3 के लिए फैंस रणवीर सिंह को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने यह लिखा कि शाहरुख खान के स्वैग को मैच करने के लिए रणवीर सिंह को 100 जन्म लेने पड़ेंगे। वहीं डॉन में किम खान की एंट्री वाले सीन को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। एक यूजर ने बॉयकॉट डॉन 3 तक लिख दिया है। वहीं रणवीर सिंह को लेकर काफी मीम्स भी शेयर किए जा रहे हैं। भले ही किंग खान को बॉलीवुड का डॉन कहा जाता है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रणवीर सिंह एक दमदार एक्टर हैं और वो अपनी शानदार एक्टिंग से किरदार में जान डाल देते हैं। अब देखना होगा कि फिल्म डॉन 3 की शूटिंग कब शुरू होती है और क्या रणवीर सिंह डॉन बनकर फैंस का दिल जीत पाते हैं।